ये जो कार है सेवरलेट की बीट है, इसके मतलब इसमें पेट्रोल नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने अभी करंट चेक किया, करंट इसके अंदर आ रहा है, तो इसका फ्यूल पंप मोटर ख़राब है, सीट के नीचे लगा हुआ रहता है पंप। कुछ गाड़ियों का मतलब बाकी जो गाड़ियाँ किसी किसी का टैंक खोलना पड़ता है, बट इसमें टैंक खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका मेन पाइप है, इसको ऐसा प्रेस करके निकाल देने का, मेन पाइप को थोड़ा सा पेट्रोल निकलता है, लेकिन कुछ बात नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दूसरा पाइप है उसमें कैप लॉक लगा हुआ रहता है, पहले वो लॉक निकालना है बाहर, फिर वो निकलता है, लेकिन जो मेन पाइप है उसको पहले प्रेस करके रखना है और घुमा देंगे थोड़ा सा निकल जाता है। और ये दूसरा पाइप है, ये जैसा लॉक देख सकती है, लॉक है इसके अंदर, उसके बाद इसको निकालना है घुमा के। इसको पाइप को साइड में रख लेते थोड़ा सा, मतलब साइड में दबा देते, अंदर फंस जाता है ये, ताकि इसमें फंसे नहीं, अंदर साइड में कहीं भी थोड़ा सा इसको दबा देंगे तो फंस जाता है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। हाँ बरबर, इसके बाद इसको मेरे पास सांसी है, इसे खोल रहा हूँ मैं। इसको आप बहुत से लोग मतलब स्क्रूड्राइवर से भी खोलते हैं हथौड़ी मार के, या मतलब बड़ा स्क्रूड्राइवर से, या जो रॉड से भी खोलते हैं, जैसे कि कनेक्शन जो रॉड आता है उससे भी खोलते लोग ठोक के, बट सांसी से भी मस्त खुल जाता है। अगर आपके पास सही शॉर्ट सांसी है तो एकदम ईजिली खुल जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर ठीक ठाक है तो। थोड़ी ये छोटी पड़ रही है सांसी, बस पकड़ रही है, लेकिन काम कर रहा है, नहीं खोल रहा, इससे ओपन हो जाएगा इससे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इसको खोलने के चक्कर में टूट जाता है ये, स्क्रूड्राइवर वगैरह से ठोक देते हम लोग, क्योंकि ये प्लास्टिक है, थोड़ा पकड़ के रखता है, तो ये फटका मारने में टूट भी जाता है ये कैप जो है। फोर्ड वगैरह का मैंने बहुत बार देखा है कि बड़े स्क्रूड्राइवर से हथौड़ी से मार दिए टूट भी जाता है, लेकिन अगर इसको सांसी से आप खोलोगे तो टूटेगा नहीं कभी भी। और टाइट है, खोलते हैं अभी। आ रहा गाड़ी सीएनजी भी है, सीएनजी भी स्टार्ट हो रही, बट पेट्रोल पे नहीं हो रही, इसका मोटर ख़राब है। इसमें करंट चेक किया, हमें करंट आ रहा है, ठीक है। ये जो कट दिया हुआ है बिठाने के टाइम, कट पे ख्याल रखने का, ये जो कट है मैंने दिखाया अभी, तो थोड़ा केयर करना है, क्योंकि वहाँ पे बिठाओगे आप तो बहुत ईजीली लग जाता है, ठीक है, मतलब जब कैप फिट करते हो तो। इसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल रहता है, इसको पेट्रोल को वापस से टैंक में डाल देते हैं। बाहर रखो ना, मीटिंग वीटिंग रख दिया कुछ, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। और ये उसका ओरिंग है ग्रीन वाला जो दिख रहा है, बंद कर लो, बंद करो। फ्यूल पंप ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। और ये नया पंप है इसका, थोड़ा डिफरेंट है बॉस वगैरह से, जो बॉस का पंप आता है हुंडई वगैरह में, जो लगता है मारुति वगैरह में, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे ये। पुराना कहाँ है बताओ, ये इसका पुराना पंप है, ठीक है। ये दो रिंग आते पहले ये लगता है, और उसके बाद ये ब्लैक वाला ऊपर से लगता है। नया के साथ आया हुआ है रिंग, और ये सॉकेट भी आया हुआ है, कंप्लीट आया हुआ है, मतलब न्यू जो लिए इसके साथ सॉकेट वगैरह रिंग वगैरह के साथ आया हुआ है। और ये सॉकेट ऐसा लगता है इसका, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है थोड़ा, मतलब बाकी पंप से। फिल्टर भी इसके साथ न्यू आया हुआ है, इसका जो पुराना फिल्टर है पूरा ख़राब हो गया है, मतलब
कचरा हो गया पूरा, कहाँ गया पुराना फिल्टर? जैसा देख सकते पुराना फिल्टर खराब है पूरा, और ये नया फिल्टर है इसका। बॉस में जैसा लॉक आता है नीचे, इसमें लॉक वगैरह कुछ नहीं, बॉस में एक छोटा सा लॉक आता है, बट इसमें ऐसा लॉक नहीं है जो दूसरा पंप आता है बॉस वाला। क्योंकि इसमें प्लास्टिक का लॉक भी हुआ है फिल्टर में, तो डायरेक्ट बैठ जाता है उसके साथ। ये इसका फ्यूल गेज है, ठीक है। इसको ये बिठाने के बाद भी बिठा सकते हैं, यानी कैप लगाने के बाद बैठ जाता है, बट ऐसा भी बिठा सकते हैं। इसको पहले बिठा के देख लेते हैं, ऐसा बैठता है ये, ठीक है। इसको सेम खांचे में रख के अंदर दबा देंगे, बैठ जाता है। ये इसका फ्यूल गेज यूनिट है, मतलब ये फ्यूल गेज है जो दिखाता है मीटर कितना है कितना नहीं है, मतलब पेट्रोल। इसको कुछ भी नहीं थी, अंदर सेम पोजीशन डाल देंगे, प्रेस कर देंगे, बैठ जाता है। लॉक है आजू बाजू में, मतलब दो तीन लॉक है, इसको प्रेस हो जाता है, लॉक हो जाता है। इसके बाद इसकी सॉकेट लगा लेना है। घुमाओ मत मोबाइल, ये फिट हो गया। बस इसमें वायर लगा लेते हैं और फिटिंग कर देते हैं इसको, ठीक है। ये रेडी है, और ये जो ओरिंग है ग्रीन वाला, सब थोड़ा ध्यान रखने का, ये जो ओरिंग है अगर ये बरोबर नहीं बैठेगा तो पेट्रोल लीक होते रहेगा, और ये बरोबर टाइट भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का ओरिंग है इसको बिठा लेते हैं अभी। ये जो कट निशान दिया हुआ है डायरेक्ट बैठ जाता है इसमें, मतलब कट में इधर उधर घूमता नहीं। बाकी कोई कोई गाड़ियों का रहता है कट नहीं रहता, तो इधर उधर घूम जाता है, मार्किंग देखना पड़ता है, उसमें मार्किंग दिया हुआ रहता है। बट इसमें ऐसा कट है कि मतलब वो अपने खांचे में जाके बैठेगा, इधर उधर घूमेगा नहीं। देखो ये कट जो है, होल दिख रहा है ना ये कट में, तो बाइक थोड़ा साइड कर लेते। ये कैप को लगाने के टाइम थोड़ा सा मतलब उल्टा घुमा लेंगे, उसका जो खाँचा है ना उस खाँचे पे बिठाएंगे तो एकदम इजी बैठता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि उल्टा भी चढ़ जाता है, फिर टाइट नहीं होता सही। थोड़ा देख के बिठाएंगे तो बैठ जाता है इजीली। छोड़ो बंद करो, आ रहा है। अपने पास सांसी है तो सांसी से इसको फुल टाइट कर लेते, नहीं तो इसको स्क्रूडाइवर या कनेक्शन कोई भी मोटर रॉड से भी टाइट कर सकते इसको हल्का। थोड़ी सांसी छोटी पड़ रही है, थोड़ा ध्यान भी रखना आजू बाजू, मतलब जिसके पाइप से या सॉकेट वगैरह टूट भी नहीं जाए, लेकिन सांसी से खुलता बेस्ट है ये है आपके पास तो। फिट हो गया, ठीक है। इसका लोकेशन है, यहाँ फिटिंग होता है।